कौन सा समस्या है तुमको? किस वर्ग का? क्यों नहीं मिला है? सरकार वर्ग से अभी आगे नहीं किया। तो फिर पढ़ाई कैसे कर पाते हो? पढ़ाई कोई कोई बच्चा को पिछले वाला वर्ग में जो लेगा पास किया था ना, किसी को भाई बहन दे दिया था किताब, उसी से सर मैडम पढ़ाते थे। तो पढ़ाई हो जाता है अच्छा से? परेशानी ये होती है कि बच्चा के पास किताब नहीं रहने से वो मानी घर पे तो पढ़ नहीं पाते हैं, जो स्कूल में थोड़ा समझाया जाता है उसी को समझ पाते, जब तक किताब से पूरा वो पढ़ेंगे नहीं तो ठीक से वो नहीं समझ पाते और प्रश्न उत्तर नहीं बना पाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया। इसी योजना के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक बच्चों को मुफ्त में देने की योजना भी लागू किया गया, जबकि 15 वर्षीय सुनील कुमार राजकीय मध्य विद्यालय बिशुनपुर फकीरा के 8वां वर्ग के छात्र हैं, जिसे अभी तक किताब नहीं मिला है, जबकि इस साल का 5वां महीना बीत रहा है तभी भी बच्चों के बीच किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई है। कौन सा समस्या है तुमको? किताब अभी तक नहीं आया है, नहीं मिला है। कभी तुम लोग मांग किया है कि बुक चाहिए? मांग किए हैं तो कहें जिला में भी नहीं अभी किताब है। कौन कहे? प्रधान अध्यापक। वर्ग 8 का अब तक पुस्तक मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला है सर? अब ये तो फिर ऊपर की बात है, सरकार का क्या है, पढ़ाने में तो बहुत कठिनाई होती है क्योंकि 8वां के बच्चों को पढ़ाना बिना किताब बुक संभव नहीं हो पाता। तो हम लोग का जो तरीका है मांग करने का, जिनसे मांगना चाहिए, जिनको कहना चाहिए वहाँ पर कहते हैं, लेकिन उपलब्ध नहीं हो सका। क्यों नहीं होगा आजकल तो उसको चलाने के। तो आप क्या चाहते हैं सर? समय से बुक मिल जाए, समय से किताब मिले, बच्चों को सिलेबस के हिसाब से पढ़ाए। मैं चाहती हूँ कि सुनील कुमार के साथ साथ बिशुनपुर फकीरा विद्यालय के 2रा और 8वां वर्ग के छात्रों को किताब मिले। इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं अपील करती हूँ कि तरियानी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरविंद जी का मोबाइल नंबर 9934807907 पर कॉल कर दबाव बनाएं और तरियानी प्रखंड के बिशुनपुर फकीरा विद्यालय के 2रा और 8वां वर्ग के बच्चों को किताब दिलाने में हमारा मदद करें। मैं रीता, जिला शिवहर, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।